पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परमाणु और अणु कैसे बनते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और जानेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं, और यह भी जानेंगे कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश क्यों होता है और क्यों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ऐसे कण से मिलकर बने होते हैं जो सभी पदार्थों का मूल घटक होता है। यह एक प्राथमिक कण होता है जिन्हें क्वार्क कहते हैं। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं जो फ्लेवर नाम से जाने जाते हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप और बॉटम। अप और डाउन क्वार्क के द्रव्यमान सभी क्वार्कों से कम होता है। बाकी भारी क्वार्क कणिका क्षय की प्रक्रिया के माध्यम से तीव्रता से अप और डाउन क्वार्क में बदल जाते हैं। कणिका क्षय एक उच्च द्रव्य अवस्था का एक निम्न द्रव्य अवस्था में परिवर्तन है। इस वजह से अप और डाउन क्वार्क आमतौर पर स्थिर होते हैं। क्वार्क के अनेक आंतरिक गुण होते हैं जिनमें विद्युत आवेश, द्रव्यमान, रंग आवेश और स्पिन सम्मिलित हैं। क्वार्क अब तक का मात्र एक प्राथमिक कण है जो सभी चार मूलभूत अंतःक्रिया, विद्युत चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण, प्रबल आंतरिक क्रिया और दुर्बल आंतरिक क्रिया को महसूस करता है। साथ ही यह मात्र ज्ञात कण है जिसका विद्युत आवेश प्राथमिक आवेश का पूर्णांक गुणनफल नहीं है। अब हम बात करेंगे अप और डाउन क्वार्क की, क्योंकि यही दो क्वार्क स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं। अप क्वार्क पर प्राथमिक आवेश का 2/3 धनात्मक आवेश होता है तथा डाउन क्वार्क पर प्राथमिक आवेश का 1/3 ऋणात्मक आवेश होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो इसका निर्माण 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से होता है जो इस प्रकार से प्रोटॉन के अंदर स्थित होते हैं। इन तीनों कणों को जोड़कर रखने का काम ग्लून्स करता है, जो इस प्रकार से तीनों कणों को जोड़कर रखता है। अब हम क्वार्क के आवेश के अनुसार प्रोटॉन के आवेश की गणना करेंगे। अगर हम प्रोटॉन के तीनों क्वार्कों के आवेशों को जोड़ते हैं तो हमें एक धनात्मक आवेश प्राप्त होता है जो कि एक प्रोटॉन का आवेश होता है। इसी प्रकार से हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन का निर्माण 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से होता है। अगर हम तीनों क्वार्कों के आवेशों को जोड़ते हैं तो इसका मान 0 आता है। यही कारण है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। उम्मीद है कि वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।